हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद लॉ एकेडमी, टैगलाइन सिलेक्शन बेस्ड स्टडी। जी हाँ, यहाँ पर इधर उधर की स्टडी नहीं, केवल जिससे आपका सिलेक्शन होता है वो पढ़ाई हम लोग यहाँ पर करते हैं। सो दिस इज द लेक्चर 2 ऑफ द इंडियन पॉलिटी एंड द टॉपिक इज एक्ट पास्ड अंडर द ब्रिटिश क्राउन, जो कि टाइम पीरियड है 1858 से 1947 तक। So are you ready? So let's start. In slides में हम क्या क्या पढ़ेंगे? Indian Act 1858 को पढ़ेंगे, Indian Council Act 1861 को पढ़ेंगे, Indian Council Act 1892, Indian Council Act 1909। इसके बाद Government of India Act 1919, Government of India Act 1935, India Independence Act 1947। ये सब कुछ डिस्कस करना है। सो वन बाय वन हम इनिशिएट करते हैं। सबसे पहले इंडियन एक्ट 1858, हाइलाइटेड पॉइंट्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको पता है कि 1857 का रिवॉल्ट हो चुका है, तो क्राउन ने क्या किया कि डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए जो अब तक कंपनी रूल कर रही थी उसको खत्म करके सीधे अपने हाथ में ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि ब्रिटिश सोवरेनिटी ऑफ इंडिया अज्यूम्ड बाय द ब्रिटिश क्राउन From the East India Company। इतनी बात समझ में आई। Second point जब आप देखेंगे तो लिखा हुआ है गवर्नर जनरल के नाम को रिनेम किया गया एज अ वाइसराय ऑफ इंडिया। वाइसराय क्या होता है? जब गवर्नर जनरल रिप्रेजेंट करता है क्राउन को तब वो उसकी पोजिशन कहलाती है वाइसराय, और जब वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करता है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा होता है क्राउन का, तब वो क्या कहलाता है? गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिन, बगल में आप फोटो देख सकते हैं, ये पहले वाइसराय ऑफ इंडिया थे जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन होता है। एक चीज और, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी को चलाने के लिए बनाया गया था उसको इस एक्ट के तहत खत्म किया गया था। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किस एक्ट में बनाया गया था, प्रीवियस लेक्चर वन में ये आपको मैंने बताया था। एक नई पोस्ट क्रिएट की गई यहाँ पर, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि नई पोस्ट का नाम क्या है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या होता है, यहाँ पर पहली बार एक प्रोसेस इनिशिएट किया गया कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को भी पार्टिसिपेशन मिले। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनता है या पूछा भी गया है कई बार कि इंडियंस को कब लॉ मेकिंग प्रोसेस में या किस एक्ट के द्वारा अलाउ किया गया, तो दैट पर्टिकुलर एक्ट इज 1861। एक चीज और, वाइसराय कैन इशू ऑर्डिनेंस इन केस ऑफ इमरजेंसी विच विल रिमेन इन फोर्स फॉर द 6 मंथ्स। तो जो आज का इमरजेंसी प्रोविजन है वो भी ऑर्डिनेंस का, सॉरी इमरजेंसी के दौरान ऑर्डिनेंस लाने का प्रोविजन वो यहीं से लिया गया था। इतनी बात समझ में आई। चलिए बहुत सही। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में एक बात समझिएगा कि जो इंडियन मेंबर्स थे उनको राइट टू आस्क क्वेश्चन एंड डिस्कस द बजट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो आज आप देखते हैं कि भैया पर्चा लेकर के सांसद लोग खड़े हो गए पूछ रहे हैं, तो ये कहां से मिला है? 1892 से राइट प्रोवाइड किया गया था। एक चीज और, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये भी बहुत हाईलाइटेड इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसको एक अन्य नाम से और जानते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। जी हाँ, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी इसको जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट टाइम जो इंडियन एसोसिएशंस होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय एंड गवर्नर्स में जगह मिलती है। यहाँ पर एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑफ मुस्लिम बनाया जाता है। इलेक्टोरेट्स ऑफ मुस्लिम, यहाँ पर पहले स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, Electorates of Muslim, मतलब ये था जैसे आज भी आप देखते हैं कुछ जगहों पर कोई सीट मान लीजिए महिला प्रत्याशी की है तो वहां पर वोट डालने कौन जाता है? पुरुष और महिला दोनों जाते हैं। पर इस इलेक्टोरेट का मतलब ये था कि अगर सीट मुस्लिम है वहां पर तो मुस्लिम ही वोट डालेंगे, हिंदू वोट नहीं डाल पाएंगे। ये डिफरेंस है आज के और उस जमाने के सेपरेट इलेक्टोरेट्स में। लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स भी नवाजा गया, ये बात समझिएगा। तो अगर आपसे पूछता है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्या था, इसको किस और नाम से जानते हैं, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से। इस टाइम आपको ये बताना है कि वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इस एक्ट में क्या होता है भाई, इसको एक और नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। यहाँ पर जो कम्युनल इलेक्ट्रेट अभी ये भाई साहब लेकर के आए थे लॉर्ड मिंटो भाई साहब, उनको एक्सटेंड किया गया। कहाँ, सिखों में भी अब ये चीज डाल दी गई, इंडियन क्रिश्चियंस में भी डाल दी गई, यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियंस में भी ये चीज डाल दिया गया जो लोग हिंदुस्तान में रह रहे थे। बेसिकली ये कम्युनल इलेक्ट्रेट्स मतलब कम्युनल एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे हैं, एक तरीके से फूट डालने का काम भी इन्हीं इलेक्टोरेट्स के द्वारा हो रहा था। हालांकि सरकार ये नहीं कह रही थी, सरकार तो ये कह रही थी हम अच्छा कर रहे हैं। जैसे आज भी मौजूदा सरकारें जो है, चाहे वो केंद्र स्तर की हो चाहे वो राज्य स्तर की है, वो अपना उल्लू सीधा करती हैं, पर जनता से ये नहीं कहती कि हम अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वो कहती क्या है, हम तो जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। बाइकम्युनलिज्म थर्ड पॉइंट सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया। डायार्च जो था वो भी आपका क्या कहते हैं प्रोविंसेस में इनिशिएट किया गया। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैटर थे उनको दो पार्ट्स में बांटा गया, पार्ट्स ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड में। इसका एक वीडियो मेरे चैनल पर पहले से पड़ा हुआ है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म डिटेल्ड वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं, एक बार देखिएगा जरूर। फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टर्म वॉज यूज, जो आज आप देखते हैं ना कि हमारे यहाँ की जो संसदीय प्रणाली है उसमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, ये धारणा यहीं से ली गई थी। इसी एक्ट के तहत एक कमीशन, रिपोर्ट वाला कमीशन बनाना था जो कि 10 साल बाद बनता और भारत की परिस्थितियों को अच्छे से बताता कि इस एक्ट के लागू होने के बाद क्या क्या हुआ। तो 10 साल 1919 के बाद 1929 में उसको रिपोर्ट करना था, पर वो दो साल पहले ही एक कमीशन आता है, साइमन कमीशन, जिसमें लाला लाजपत राय को लाठियों से मारा गया, वही कमीशन है। लेकिन ये दो साल पहले ही नवंबर 1927 में आ गया था, जिसका भारी विरोध हमारे यहाँ पे इसको झेलना पड़ा था। एक चीज और भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ने से पहले आपको बता दें, आनंद लॉ एकेडमी पर आपको सिविल जज प्लस एपीओ प्लस स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की तैयारियां होती है। सिविल जज और एपीओ की खास तौर पे आपको क्या कहते हैं रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव लेक्चर्स मिल जाते हैं। पीसीएस के भी लेक्चर्स तैयार हो रहे हैं, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं 9452220757 पर कॉल करके। अब जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। ये एक लेंथीएस्ट लेंथीएस्ट एक तरीके से आप कह सकते हैं उस टाइम का एक्ट था। इसके तहत ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया, एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें क्या था, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स एज अ यूनिट समझे गए। अब आपसे मेरा ये पूछना है कि डिफाइन द प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स से आप क्या समझते हैं, मैंने कई बार आपसे जिक्र कर रखा है। एक चीज और, डायार्च जो था वो सेंट्रल लेवल पर एबॉलिश किया गया। आरबीआई की स्थापना 1935 के तहत हुई है, किस लिए की गई थी, करेंसी और क्रेडिट कंट्रोल के लिए करके। एक चीज और, कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव आप देख रहे हैं, जब से लॉर्ड मिंटो भाई साहब लेकर के आए तब से बढ़ता ही चला जा रहा है, एक्सटेंड किया गया अब शेड्यूल कास्ट में भी, वुमेन्स में, लेबर्स में, कि भाई जहां पे ये सीटें वहीं पर चुनाव होगा। एक चीज और, बर्मा आपकी कंट्री का ही पार्ट था, उसको सेपरेट कर दिया गया, दो नए प्रोविंसेस बनाए गए, सिंधु और उड़ीसा, इसी एक्ट के तहत। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, नोट्स वोट्स बनाते जाइएगा भाई। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत इंडिया को इंडिपेंडेंट और सोवरेन नेशन 15 अगस्त 1947 को घोषित किया गया। वाइसरॉय की जो पोस्ट थी उसको एबॉलिश किया गया, क्योंकि अब देश आजाद हो रहा है तो वाइसरॉय कौन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए इस पोस्ट को खत्म किया गया। गवर्नर जनरल जितने भी डोमिनियन थे यहाँ पर, वहां पर अपॉइंट किया गया, क्योंकि सत्ता ऐसे छोड़ के जा नहीं सकते थे भाई, छोड़ के चले जाते तराई तराई हो जाती। हालांकि अंग्रेज भागने वाले थे, पर एक नियम होता है जाने का कि भाई आप कहीं से जगह छोड़ के जा रहे हैं तो कुछ व्यवस्थाएं करके जाएंगे, तो उस तरीके से वो व्यवस्थाएं करके गए। जो किंग ऑफ इंग्लैंड था, उनके टाइटल्स में कहा जाता है ना, देवों के देव, महादेव, क्या कहते हैं, चंद्रधारी, गंगाधर, जो सब कुछ, ऐसे ही जो किंग ऑफ इंग्लैंड थे उनके भी कई सारे टाइटल्स थे, उसमें एक एम्परर ऑफ इंडिया का भी टाइटल था। फर्ज करते हैं एम्परर ऑफ उनमें इंडोनेशिया भी रहा हो, एम्परर ऑफ चाइना भी रहा अगर रहा हो तो, ठीक है, तो ऐसे एम्परर ऑफ इंडिया भी था, पर वो टाइटल आफ्टर दिस एक्ट खत्म किया गया। उम्मीद है आपको सब कुछ यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यूजीसी नेट जेआरएफ लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्स चालू है, आप चाहे तो उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और स्टेट सिविल जज एंड एपीओ के ऑनलाइन बैच
हमारे यहाँ चलते हैं, मेजर लॉ सब्जेक्ट फैसिलिटी भी है, सिंगल आप सब्जेक्ट चाहे तो भी आपको मिल जाएगा, माइनर लॉ का सेपरेट बैच चलता है, साथ ही साथ इन सब का रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव बैच आपको मिल जाएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल सेशन विद मी, होप यू आर लाइकिंग द सेशंस, मस्ट टेल मी टू नो. हाँ भाई, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है. ठीक है, चलिए.